हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, हमने देखा है कि जुलाई की एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है। जुलाई की एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है और जुलाई पे बहुत से ऐसी खबर है, बहुत सी ऐसी मीटिंग्स होने वाली हैं, बहुत से ऐसे न्यूज़ हैं जिसकी वजह से ये जुलाई का जो एक्सपायरी है ये इम्पैक्ट डाल सकती है। मैं कुछ बात कर रहा हूँ कुछ अपकमिंग वीक्स की, यानी कि इन 5-6 दिन, इन हफ्ते के अंदर, इन 2 हफ्तों के अंदर हमें लगता है कि ये मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर से नीचे तक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। अब किस तरीके से वो रिएक्शन देगी, ऐसी 3 खबर है, ऐसी बड़ी 3 बिग न्यूज़ है जिसकी वजह से अपकमिंग वीक्स में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकती है। वैसी 3 क्या न्यूज़ है उसके बारे में हम बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर हम हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए हम डालते रहते हैं कि कौन से स्टॉक्स आप इंट्राडे पे बाय करके चल सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर, जो कि हम आपको आज रात को ही प्रोवाइड करा देते हैं। सो गाइस, अगर आपको इस चैनल के साथ बने रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से होगा ये गाइस कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपके फ़ोन या ईमेल के थ्रू और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। गाइस, ये वीडियो के बनने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पे आपको सारी की सारी स्टॉक मार्केट की एजुकेशनल वीडियोस ही प्रोवाइड होंगी। आपको इंट्राडे पे अगर आपको स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना आता, आप इंट्राडे में हमेशा लॉस करते हैं, गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम आपको इस चैनल पे स्टॉक्स के साथ टारगेट और स्टॉप लॉस भी प्रोवाइड कराया करते हैं जिस पे आप इंट्राडे पे वर्क करके पैसा कमा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं 3 खबर की ओर, कौन सी 3 बड़ी न्यूज़ है जिसकी वजह से ये हफ्ता मार्केट का जो अगला वाला हफ्ता है वो रिएक्शन में रह सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएस और चाइना की जो मीटिंग होने वाली है G20 समिट पे। गाइस, G20 समिट में यूएस और चाइना की मीटिंग होने वाली है इसी वीक के अंदर अंदर, और अगर ये मीटिंग अच्छी तरीके से चली जाती है सो हमारी जो निफ्टी है और जो हमारी मार्केट है बहुत अच्छे तरीके से ऊपर जा सकती है। और उसकी वजह से ही यही एक जो मेन रीज़न था मार्केट के नीचे गिरने का बार बार ग्लोबल क्यूज़ की अगर हम बात करें, पर अगर ये मीटिंग में हम देखते हैं कि ये जो टॉक है, जो इनके बीच में बातें चलेंगी, वो अगर कोलैप्स कर जाती है, अगर एग्रीमेंट नहीं बन पाता या इनके बीच में जो बातें हैं वो नहीं मैच हो पाती है सो हमारी जो मार्केट है वो एक गैप डाउन पे भी ओपन हो सकती है गाइस, क्योंकि चाइना चाहती है कि वो यूएस के साथ अब ये जो मीटिंग है वो फिक्स कर ले, जितनी भी इनके साथ प्रॉब्लम है वो सारी की सारी फिक्स कर ले। पर ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि उसके पास प्लान बी भी है। अगर प्लान बी क्या है, ट्रम्प ने बोला है प्लान बी है खुद प्लान ए, और प्लान ए क्या है कि हम टैरिफ लगा देंगे चाइना के सारे गुड्स पे। यानी कि ट्रम्प ने तो मान रखा है कि अगर मीटिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती है या फिर खबर कोई आ जाती है डीले की, या अगर हमारे बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है, सो ट्रम्प का पास जो प्लान ए था वही वो लगा देगी, यानी कि वो चाइना के गुड्स पे टैरिफ लगा देगी, और वो हमारी मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और हमारी मार्केट ग्लोबल क्यूज़ को ही फॉलो करेगी, जिसकी वजह से गैप डाउन हमें मार्केट खुलते हुए देखने को मिल सकती है जब मंडे को मार्केट ओपन होगी। अब दूसरी बात कौन सी है, अपकमिंग बजट। बजट आने वाला है इस 5 जुलाई को, जैसा कि आप देख सकते हैं यूनियन बजट 5 जुलाई को आने वाला है। मोदी 2.0 का पहला बजट है ये, और गाइस इस पे जो भी बजट के अंदर अनाउंसमेंट्स होंगी, जो भी अपकमिंग अनाउंसमेंट्स होने वाली है, वो ज़्यादातर जो भी लेंगे वो ग्रोथ ओरिएंटेड ही लेंगे डिसीजंस। ज़्यादातर जो इस बजट के अंदर डिसीजंस होने वाले हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड को देखकर ही लिया जाएगा, पर अगर वो ग्रोथ ओरिएंटेड के देखकर अगर ये लेते हैं डिसीजंस ज़्यादातर, सो वो आगे वाले जाने में इंडिया के लिए एक बैडली इफेक्ट कर सकती है। क्योंकि क्यों कर सकती है, क्योंकि अगर ग्रोथ ओरिएंटेड से वो बढ़ेगा तो उसके लिए जो फिस्कल स्लिपेज है वो हमारी बढ़ जाएगी, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा उसकी वजह से हमारा जो इन्फ्लेशन है फ्यूचर में वो बढ़ सकता है, और वो हमारी मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है गाइस। दूसरी बात, अगर हम बजट की बात करें तो बजट में आने वाला है हमारी तरफ से, अगर हम अपने खुद के इन्वेस्टर पॉइंट्स ऑफ व्यू या स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सो LTGC लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, हमने देखा था प्रीवियस बजट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लागू कर दिया गया था, और इस भी वजह से हमने देखा था कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो गवर्नमेंट को अभी पैसों की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को फंड्स रेज करने हैं गाइस। हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम मान करके चल रहे हैं, हो सकता है कि शायद वो जो LTCG 10% लगाया है वो बढ़ा दे, LTCG वो अगर बढ़ा देती है तो हमारी मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है वो पैसे लगाने से डरेंगे, पैसा इन्वेस्ट करने से डरेंगे, यह हमारी मार्केट के लिए बहुत बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। या अगर वो उसे कॉन्स्टेंट ही रखते, उसमें कोई चेंज नहीं करते, तब भी हमारी मार्केट के लिए एक बैड इम्पैक्ट
मिल सकता है। सो होपफुली ऐसा हो कि हमें कोई एक कट देखने को या फिर हमारे लिए एलटीजीसी टैक्स हटा ही दे। अब आते हैं जो सबसे बड़ा मेन रीजन हमारी तक के लिए अभी तक बन रहा है, वो है ओपेक मीटिंग। ओपेक मीटिंग मतलब क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस आप देख रहे हैं बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी जो ओपेक की कंट्रीज हैं वो वियना में 1 से 2 जुलाई के बीच में मीटिंग करने वाली है, और वो मीटिंग किसके ऊपर है? मीटिंग इसके ऊपर है कि जो अभी तक उन्होंने आउटपुट कट कर रखा है वो एक्सटेंड कर रखे या काट दे, हटा दे। क्योंकि आप गाइस देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, यानी कि सप्लाई हट गई है, सप्लाई नहीं हो रही है, डिमांड बढ़े जा रहा है, उसकी वजह से जो प्राइसेस है वो बढ़ रहे हैं। डिमांड सप्लाई क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि जो ओपेक कंट्रीज है उन्होंने आउटपुट ही कट कर दिया गया है, यानी कि आउटपुट आधा कर दिया गया है। जो भी वो आउटपुट हमें प्रोड्यूस करती थी वो आधा कर दिया है, और सप्लाई नहीं हो रही है, उसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ने से हो रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइसेस आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यूएस और ईरान की भी टेंशन चल रही है, उसकी वजह से लास्ट 10 दिन के अंदर अंदर 15% का जंप ले चुकी है क्रूड ऑयल की प्राइसेस। उसकी वजह से हो क्या रहा है? हमारा जो प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं क्रूड ऑयल के, फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, और साइड बाय साइड करंट अकाउंट नंबर्स भी बढ़ रहे हैं गाइस। अब हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जब से हमने ईरान से क्रूड ऑयल नहीं परचेज कर रहे थे, हम अभी कुछ टाइम से यूएस से परचेज कर रहे थे, और ईरान के मुकाबले हम यूएस से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं गाइस क्रूड ऑयल। तो वो हमारे लिए ऑल्सो एक अच्छी बात है। पर अगर ये जिस तरीके से आउटपुट और कट करे रखते हैं तो हमारे मार्केट के लिए ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है गाइस। 3 बड़ी खबरें हैं जो आने वाले टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। सो इन 3 खबरों के साथ आप बने रहिएगा, और मुझे लगता है कि मार्केट पे बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी देखने को जुलाई के टाइम एक्सपायरी में देखने को मिल सकती है। अगर अब आपको जानना है कि जुलाई पिछले 5 साल में जुलाई में क्या होता था निफ्टी या मार्केट के अंदर, मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती थी जुलाई के अंदर पिछले 5 साल से, सो अब मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई में किस तरीके की मूवमेंट होती है गाइस। हो सकता है कि मैं आपको जो ये न्यूज़ के अंदर, ये जो मैंने आपके लिए बिग न्यूज़ लेकर आया हूँ, खबर लेकर आया हूँ, ये सारी हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट गिर सकती है। पर अगर हो सकता है कि चार्ट सजेस्ट करे कि मार्केट बढ़ सकती है, पर गाइस हमें उनके बीच में ऐसे सिमिलैरिटीज़ निकालनी है कि हमें कंक्लूजन में पहुंच सके कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, या किसके ऊपर मार्केट गई तो हम बाय करें, या किसके नीचे गई तो हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करें। तो गाइस इसी के साथ मैं इस वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा और कौन सी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते भी मार्केट सबसे ज़्यादा कॉन्कर कर सकती है। सो गाइज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गाइज़ मैं आपसे मिलता हूँ कल अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।